बात करेंगे मलेशिया ग्रैंड डुम्बल टी10 चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फोर्थ सीजन का आज का दिन का फोर्थ टी10 मुकाबला के बारे में। और ये टूर्नामेंट का विश्वनामा मुकाबला खेला जाएगा एनआरएस वर्सेस पीकेडब्ल्यू के बीच में। दोनों टीम ने मलेशिया ग्रैंड डुम्बल टी10 चैंपियनशिप का फोर्थ सीजन में ऑलरेडी दो दो मुकाबले खेली है और एक एक मुकाबले जीती है, एक एक मुकाबले हारी है। बस उसी के बेसिस पे हम टीम बनाएंगे कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है। वैसे हमने मलेशिया ग्रैंड डुम्बल टी10 का जो फोर्थ सीजन हो रहा है ना, हमने थर्ड वाला भी सीजन देखा था, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। मतलब मैचेस फिक्सिंग हो रहे थे, जो प्लेयर का सिलेक्शन 1-2% है भाई, उनको बॉलिंग मिल रहा है वो भी कंप्लीट, दो ओवर विकेट भी 4-5 विकेट लेके जा रहे हैं। भाई मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कितना अनएक्सपेक्टेड मैचेस कैसे जा रहे हैं। जो मेन मेन ऑलराउंडर जैसे हसनैन अहमद के देख लो भैया, इनको ना लास्ट लगे में बैटिंग मिली थी ना ही बॉलिंग मिली था। वैसे भी मलेशिया टीम के एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है, बहुत तगड़ा ओपनर बल्लेबाज है। तो अनएक्सपेक्टेड तो हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, वीडियो का अप्लाई करेंगे। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे अपडेट हो, क्या होता है कि जो भी हमारी स्मॉल लीग की टीम्स होती है, जिस टीम से हम खेलते हैं, सेम टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ो, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @FXpart, हमने जैसा लिखा है सेम टू सेल लिखे गए, 14,500-600 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला आपको चैनल देखने को मिलेगा। आज तक हमने दो मुकाबले जो कवर किया था काफ़ी बेहतर गए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि एक बेहतरीन आपको विनिंग करा कर दे, तो इसलिए मैं बोलूँगा आप टेलीग्राम पे बिल्कुल भी जुड़ेंगे। मैच रहेगा दोपहर को 1:30 में, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल बैलेंस कहेंगे। सबसे पहले कि हम एनआरएस टीम का देखेंगे, तो पहले वाला गेम इनकी टीम ने 8 विकेट से जीती थी, लास्ट वाला गेम में 92 रन करा था, मतलब 90 सौ स्कोरिंग कर सकते हैं, दम खमाई नो डाउट। ओपनर इनके थे वो थे लास्ट लगे में MT तौफीकुल तुहीन, इनके साथ आए थे मेहराब हुसैन जोशी। बात करेंगे यहाँ पे MD तौफीकुल तुहीन की। देखो पहले वाला गेम में ना इनको बैटिंग मिला था ना ही बॉलिंग मिला था, लास्ट वाला गेम में इनको ओपनिंग भी दिया प्लस 2 ओवर दिए भी थे। हालांकि मैं एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इनके जो पहले वाला गेम में MD नाहिद अख्तर ओपनिंग किया था, तो MD नाहिद अख्तर भी ओपनर है, और उनके अलावा इनके जो मेन ओपनर है मिजानुर रहमान है, जिनको अपनी टीम दे ही नहीं रही है। MD तौफीकुल तुहीन को आप प्लेयर पे करो, क्योंकि यार 2 ओवर तो डाल रहे हैं ना, अगर चलो बैटिंग से नहीं कुछ किया, बैटिंग से कर भी नहीं सकते कि उतना तगड़ा प्लेयर है नहीं। अभी हमने 24 के अंदर भी मलेशिया टी10 बेस का जो टूर्नामेंट हुआ था, 2 मैच में केवल 3 रन था, 2 ही ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाल के गए थे। ऑलराउंडर ठीक ठाक नहीं है, बट लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे टीम कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो अभी के लिए आप स्मॉली की टीम में इनको एज अ प्लेयर आप पिक करके चलो। मेहराब हुसैन जोशी लास्ट वाला गेम में 19 रन, ऊपर से 2 ओवर मिला भी था लास्ट वाला गेम में, इनके साथ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ था, क्योंकि पहले वाला गेम में ना इनको बैटिंग मिला था ना ही बॉलिंग मिला था, लास्ट वाला गेम में सीधे ओपनिंग दिया और 2 ओवर दिया भी था, ठीक है। तो आप इनको प्लेयर पिक करो। मिजानुर रहमान वैसे इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, हमने मलेशिया टी10 बेस्ट टूर्नामेंट में 2 मैच में 119 रन देखा था, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, विकेट कीपर में अवेलेबल है। मैंने बोला था कि अच्छा खासा प्लेयर है, विकेट कीपर सेक्शन से आप ले सकते हो। MD इमरान हबीब रफ़ी भाई दोनों गेम में 2-2 विकेट निकाल चुके हैं, अब ऐसा ना हो जाए कि आज वाला गेम इनको बॉलिंग ही ना मिले, ऐसा भी हो रहा है दोस्तों। जो मेन मेन बॉलर विकेट लगातार निकाल रहे हैं, उनका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, उनको टीम बॉलिंग दे ही नहीं रही है मैचेज में, वो भी हम चीज़ देख रहे हैं। तो मैं तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी आप कैप्टन करके चलो, बट आप पलर पिक करिएगा, क्योंकि लगातार विकेट निकाल रहे हैं तो मैचेज फिक्सिंग हो रही है, तो इनको टीम बॉलिंग ना भी दे सकती है। MD नाहिद अख्तर को हमने दोनों गेम में कैप्टन किया है, ऑलराउंडर ठीक ठाक है, 2 रन 2 विकेट 31 रन 1 विकेट 2 ओवर। हम इस मोहली की टीम में इनको अगैन कैप्टन करेंगे, जब जब खेले हैं मैंने कैप्टन किया है और मैं कैप्टन करूंगा। जुई रहमान इनाम इन्होंने 12 रन करे थे, इनके विकेट कीपर बल्लेबाज, वैसे भी हमने विकेट कीपर में मिजानुर रहमान को रखा है तो इनको रखने का कोई मतलब बनेगा नहीं। महबूबुर रहमान ने केवल 0 करा था। MD अब्दुल्ला मामून लास्ट के 2 गेम में इनका भी आप देखोगे 2 विकेट है और 2 2 ओवर की बॉलिंग करी है। MD सुहैल राणा ने केवल फील्डिंग करा था, पहले वाला गेम में 38 रन 1 विकेट 2 ओवर। MD आसिफ गुलाम ने इनको बॉलिंग मिला था ना बैटिंग मिला था, हालांकि पहले वाला गेम में 15 रन भी करे तो 2 विकेट निकाला भी था। रफीउल इस्लाम ने केवल फील्डिंग करा था। देखो इनके बहुत सारे बॉलर हैं, टीम कब किसको बॉलिंग देते भाई कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं पलर भी करूंगा, तो हिकुल तो ही इनको पहला, मेहराब हुसैन जोशी दूसरा, मिजानू रहमान तीसरा, MD इमरान हबीब रफ़ी चौथा, नाहिद अख्तर पांचवा रहेगा, छठा हम पिक करेंगे MD अब्दुल्ला मामून, सातवां रखेंगे स्मॉली के टीम्स में, इन दोनों में से हम सुहैल राणा के साथ जाएंगे, क्योंकि आसिफ कलाम का मेरे को कन्फर्म नहीं है कि भाई बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा। सुहैल राणा का कुछ ज़्यादा है बट इनका ज़्यादा नहीं है, ठीक। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं तो उनमें से अगर कोई प्लेयर्स खेलता है तो स्टैट्स तो हमने सबका निकाला है, जिनका जिनका मेरे को मिला है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ,
ये मैं आपको टेलीग्राम पे खुद दूंगा बना करके पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखना। लास्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहते हैं ना तो आप खुद इसे चेंजेस कर पाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखना इंपॉर्टेंस रहता है। सामने वाला टीम है PKW की टीम से। टीम ने 2 मैच में से पहले वाला गेम में 9 रन से जीता था, लास्ट वाला गेम में भी 105 रन करे थे, बट सामने वाला टीम ठीक ठाक टीम थी इसलिए इनकी टीम से ने हारे थे। ओपनिंग करा के देंगे जुबैदी जुल्फिकले, इनके साथ आएंगे सैयद रहमतुल्ला। बात करेंगे जुबैदी जुल्फिकले की, पहले वाला गेम में 47 रन, लास्ट वाला गेम में 13 रन कर रहे थे, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है अहमद जुबैदी जुल्फिकले, इनका नाम है, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, आप इनको अभी के लिए पलर भी करो। रहमतुल्ला को लास्ट वाला गेम में टीम ने ओपनिंग भी दिया था, उसके बाद 2 ओवर दिया भी था। भैया अब इनको लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा क्योंकि इनको टीम बोली यूज़ कर रही है। अभी तक जितने हमने जो लास्ट सीजन देखा था ना, थर्ड वाला सीजन इनका, वहाँ पे बॉलिंग नहीं करा रहे थे, बट इस वाला टूर्नामेंट में बॉलिंग करा रहे हैं तो रखना बनता है। फारूक सिराज 8 रन 2 ओवर, पिटाई बहुत पड़ा था इनका, माइनस में भी गए थे। आलमगीर खान डेथ में आ रहे हैं तो इनको रखना इंपॉर्टेंस रहेगा। भैया अमजद अली का मैं बता दूं, लास्ट वाला गेम में पता है इनको कम्प्लीटली टीम ने डेथ में दिया था, एक स्टार्टिंग का और एक डेथ में, पता है जो डेथ में आए थे ना 9 ओवर डालने, वहाँ पे 1 ओवर में 3 विकेट निकाल गए थे अमजद अली। ऑलराउंडर सेक्शन में सिलेक्शन 30% ही है, लेकिन इनको टीम ने यूज़ करी थी, 2 ओवर डाल के 4 विकेट निकाला था, तो मैचेज तो फिक्सिंग हो रहे हैं इससे मेरे को पता लग रहा है। दुमिंदा गायसिरी 26 रन करा था, इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, विकेट कीपर सेक्शन से हमने रहमतुल्ला को रखा है, सामने वाली टीम से मिजानुर रहमान को रखा है, तो इनको ना लेने से कोई मतलब नहीं बनेगा। मोहम्मद जफर ने पहले वाला गेम में 2 ओवर, लास्ट वाला गेम में बॉलिंग मिला नहीं। शहजाब ने यार ने 0 करा था। हसनैन अहमद, वही मैं बता रहा था कि हसनैन अहमद के साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों, लास्ट वाला गेम में पता है ना इनको बैटिंग मिला था ना बॉलिंग मिला था। ऑलराउंडर फर्स्ट क्लास का है, पहले वाला गेम में ओपनिंग, ऊपर से 3 विकेट 2 ओवर डाल के। अभी हमने थर्ड सीजन देखा था, 5 मैच में 67 रन 8 विकेट, पता नहीं किस हिसाब से ना इनको बॉलिंग मिला ना बैटिंग मिला, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो यही लग रहा है कि मैचेस फिक्सिंग हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अली जावेद बॉलिंग नहीं कराई थी, सुल्तान मुनावर करा भी था तो पिटाई इनको बहुत ज़्यादा पड़ा था, लास्ट लगे में विकेट नहीं निकाल पाए थे। हमें जुबैदी जुल्फिकले पहला, रहमतुल्ला दूसरा रहेगा, फारूक सिराज तीसरा, आलमगीर खान चौथा, अमजद अली अगर विकेट ले रहे तो रखना बनता है, उनके अलावा हसनैन अहमद रहेगा, मुनावर को रखना है रख लो, लेकिन पिटाई बहुत पड़ा था, ज़्यादा विकेट अगर बोला रहे नहीं। इनके मेन ओपनर सनाउल्ला वहीब ज़्यादा टीम के बॉलर बढ़िया है, तो टीम अगर यूज़ करती है उनको तो फिर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे टेलीग्राम पे। आप पहले टेलीग्राम पे जुड़ो, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। विकेट कीपर सेक्शन में मिजानुर रहमान को पिक करेंगे, रहमतुल्लाह को पिक करेंगे, उनके अलावा मैं किसी भी प्लेयर्स को लेने वाला हूँ। गयासिरी ने लास्ट लगे में 26 रन करा था, लेकिन क्या फ़ायदा, काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करा रहे हैं। अहमद जुबैदी जुल्फिकले रहेगा, अब्दुल्ला मामून रहेंगे, जफरीन को भी टीम ने बॉलिंग नहीं दिया था, इमरान हबीब रफ़ी रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में मेहदी हसन जोशी पहला, फारूक सिराज दूसरा, सुहैल राणा को भी टीम ने लास्ट वाला गेम में बॉलिंग दिया नहीं था, लेकिन ऑलराउंडर ठीक ठाक है और आई थिंक आज वाला गेम में बॉलिंग मिलनी चाहिए। हसनैन अहमद, नाहिद अख्तर, उनके अलावा अमजद अली को लेना पड़ेगा तो सुहैल राणा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला गेम में ही प्लेयर जो कि 4 विकेट निकाल गए थे। फिर आएंगे बॉलिंग सेक्शन में, आलमगीर खान को पिक करेंगे, तौफीकुल तुहीन भी रहेंगे जो कि आपको कम्प्लीटली 2 ओवर डालेंगे, तो मिजानुर रहमान को आप छोड़ करके तौफीकुल तुहीन को ले सकते हो, आप ऐसा टीम बना सकते हो, रिस्क तो बहुत मैचेज है, क्या बताऊँ आपको। हम कैप्टन करेंगे हसनैन अहमद को, मेरा VC रहेगा, और रहेगा यहाँ पर नाहिद अख्तर, आप कैप्टन वाइज कैप्टनसी रिवर्स कर सकते हो। हसनैन अहमद को टीम ने लास्ट वाला गेम में ना बॉलिंग दिया था ना बैटिंग दिया था, अगर ऐसा होता है तो फिर सीधे सीधे आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लो सबसे ज़्यादा यही पॉइंटर्स देंगे, ये भी चीज़ का मैं ही गारंटी ले रहा हूँ कि बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है। बॉलिंग मिला तो ठीक है, बैटिंग मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे अपने रिस्क पे, तो ज़्यादा सही रह पाएगा, मैचेज फिक्सिंग हो रहे सबसे क्लियर बात। डेमो टीम बनी है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके जुड़ जाओ, बेस्ट ऑफ लक।